धर्म कारुणिक बुद्ध जी कर गई करो प्रणाम, धन्य किया संसार को, समता का पैगाम। नमन करती हो दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक करुणा के सागर तथागत बुद्ध को, इसलिए उनको मेरा नमन है जिन्होंने पूरे संसार को पैगाम दिया, संदेश दिया और बताया कि मानवता का क्या पहचान, मानव मानव एक समान। उन्होंने मानव में भेद नहीं बताया, इसलिए उनको मेरा नमन है। और कि जय हो भीम भीमा सुवन महिमा सूर्य शमा, अब दया करो इस दीन पे, दुखियों के भगवान। नमन करती हूँ बोधिसत्व बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को, इसलिए उनको मेरा नमन है जिन्होंने भारत को सुंदर संविधान, पवित्र ग्रंथ के समान सुंदर संविधान देकर इस भारत देश को पूरे विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया, अनटचेबल समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। और उसी संविधान के तहत हम महिलाओं का जीवन तो शूद्रों से भी बदतर था, तो हम महिलाओं को भी समाज में जोड़ने का काम किया, सर उठाकर जीने का अधिकार दिया। इसलिए मैं हर मंच से कहा करती हूं कि देने वाला ही देवता होता है। तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन, और साथ में पूरे परिवार को सांत्वना देते हुए मैं सबका सम्मान करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। अगल बगल में बैठी हुई हमारी माताएं बहने आप लोगों के मंच के माध्यम से हमारी ओर से भेंट अकवार रही, और हमारे बीच में सामाजिक परिवर्तन के महान कलाकार आप आदरणीय माननीय काशीनाथ यादव जी, पूर्व MLC, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आप हमारे बीच में बैठे हैं, आपका भी तहे दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना बा कहना है। क्या बात है, कवि जी का कलम इशारा किया। मैं कहना क्या चाहूंगी, मातु पिता गुरु की चरण, माता पिता और गुरु का स्थान क्या होता है, मातु पिता गुरु की चरण है अमृत की खान, मातु पिता गुरु की चरण है अमृत की खान, शीश दिए तीनों रिझे तो भी सस्ता जान रे भैया, तो भी सस्ता जान,
ये लाइन कह रही है कि मात पिता गुरु की चरण है अमृत की खान, शीश दिए तीनों रिझे तो भी सस्ता जान रे भैया तो भी सस्ता जान, माता पिता अथवा गुरु के चरण के समान, शरण में शरण के बराबर हमारे समझ से ये धरती पर जितना देवी देवता बन वो कम पड़ जाइ हम, इतना महान होता है। कहना है जन्म दियो मितु जन्म दियो पितु मातु ने गुरु मोहि दीन हो गया, जन्म दियो पितु मातु ने गुरु मोहि दीन हो ज्ञान, श्रद्धा और विश्वास से यही है भगवान रे भैया, यही है जन्म दियो मितु जन्म दियो पितु मातु ने गुरु मोहि दीन हो गया, श्रद्धा और विश्वास से यही है भगवान रे भैया, यही है ना। कहना है क्या ए भैया केहू भगवान के देखले नहीं हो, लेकिन माता पिता के वजह से हमको आपको इस संसार को देखने का मौका मिला है और गुरु से ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए माई और बाबू और गुरु से बड़का कोनो भगवान नहीं होला। कहना है क्या कि प्रेम बिना सब झूठ है क्या गजरा क्या प्रेम बिना सब झूठ है क्या गजरा क्या हार, जब तक तन में प्राण है कर लीजे सतकार रे भैया, कर लीजे सतकार, प्रेम बिना सब झूठ है क्या गजरा क्या हार, जब तक तन में प्राण है कर लीजिए सत्कार रे भैया, कर लीजिए सत्कार, अगर मन में प्रेम है तो प्रेम से लोगों का सत्कार कर दीजिए, यह गजरा हार की जरूरत नहीं है। इनके ही पग धूली में मन की मंजिल खो, इनके ही पग धूली में मन की मंजिल खो, बाकी सब भ्रम जाल है गावत कहे सरोज रे भैया, गावत कहे हमार कहले कमेन तात्पर्य बाप। मैं कहना चाहती हूँ कि इनके ही पगधूल में मन की मंजिल खोज, बाकी सब भ्रम जाल है गावत कहे सरोज रे भैया, गावत कहे सरोज, माता पिता गुरु इस 56 करोड़ देवी देवता से भी महान है और इन्हीं के ही चरण में स्वर्ग है। हालांकि मनुवादी संत तुलसीदास ने भी लोगों को लिखा समझाया, लेकिन हम समझते नहीं हैं, हम केवल पढ़ते हैं उस बात को समझते नहीं हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी लिखा कि सकल पदार्थ यही जग माही, कहलन कि सकल पदार्थ यही जग माही कर्महीन नर पावत नाही, कहलन स्वर्ग नरक सब यही जबा, ऊपर अंगुरी दिखा के मैं तुहार नीचे का धन लोग बेकार का खाता,
कहीं स्वर्ग नरक नहीं बा, सगरी स्वर्ग नरक यही धरती पर बा। कर्म ही न नर पावत नहीं, अच्छे जो कर्म करने वाले हैं वह लोग जीते जी स्वर्ग स्वर्ग को देख लिया है, स्वर्ग न ऊपर है कहीं नहीं है, सब यही है। तो कभी जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कभी की लेखनी इशारा कर रही है कि अगर स्वर्ग में आप जाना चाहते हो तो स्वर्ग की पहली सीढ़ी क्या है? कहना है, अरे तो स्वर्ग के बाद सीढ़ी माई, मान लो कि हमके स्वर्ग में जाए के, तो स्वर्गवा में जाए खाती पहल की सीढ़ी का है, कौन सीढ़ी बनल बाप? अरे तो स्वर्ग के बाद सीढ़ी माई, आहे बाबू के चरणवा, दूसर देवी देवता ना जानमा में हो, स्वर्ग के सीढ़ी माई बाबू के चरणवा, दूसर देवी देवता ना जहनवा में इस बात को सिद्ध किया आप माननीय मास्टर साहब जयप्रकाश यादव, हमारे कवि जी के आप बुआ के लड़के हैं, आप फुफेरे भाई हैं, माई बाबू का खूब दोनों मियाँ बीबी खूब सेवा कैलन, सेवा में कोनो कसर नहीं छोड़लन, यह आंखों देखी हाल मैं बता रही हूँ। तो आप आदरणीय मास्टर साहब जयप्रकाश यादव स्वर्ग की पहले सीढ़ी पे कदम रख दिया, स्वास्थ्य विभाग में आप कार्यरत हैं, आप माननीय रीना यादव, आपकी ओर से अनुराग की आप चाची हैं, आपकी ओर से 100 रुपयों का सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद के कामना बा, आप लोगन के प्रणाम पर लगी बा। कहना है स्वर्ग के, स्वर्ग के बस सीढ़ी माई बाबू के चरणवा, स्वर्ग के बस सीढ़ी माई बाबू के चरणवा, दूसर देवी देवता ना जानवा में हो, माई बाबू का सेवा ही स्वर्ग का सीढ़ी हो। बिरहा जगत में हमें लगभग 25-26 साल हो गया बिरहा समाज में आए हुए, और 2-3 साल के बाद कवि जी से हम लोगों की मुलाकात हो गई। लगातार 22-23 साल से हम कवि जी के साथ में हम लोग हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कवि जी की असीम कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। लेकिन कवि जी के माई के हम का देखलिन, आँख का रोशनी कम हो गई, आँख में बड़ा दर्द होखे, कोनो दवाई से वो दर्द दूर ना होखे, कभी जी अपने माई के लेके नेपाल गईलिन, आज अब अखिया बनवा दिलिन, कली माई अब हम तो आँख बनवा दिलिन, अब हमार छुट्टी हो गई, देख लो के लागल कहली हम जबले जी अब तबले तोर साथ ना छोड़ब। कभी जी ने बड़ा प्यार से कभी जी के रे कहत रही है, फलनवे कह के बुलावत रही है, तो माई का आँख बनवाए और अपने शक्ति अनुसार माँ जब तक जिंदा रही तब तक उनको भोजन पानी दवा कराते रहे, खिलाते रहे, सेवा सत्कार करते रहे, तो यही असली सेवा है और यही असली धर्म है। बकिया जौन है सब हो तो वो देखावा होती है, अपने मन के शांति देवे खातिर लोग करता करे, लेकिन असली सेवा असली पूजा यही होता है जो कवि जी ने उस पूजा को उस सेवा को आपने भरपूर किया है। कहना चाहूँगी पेटवा में पालन कैली मानी मोती हीरा, आ मुहवा तोहरा हो देखी,
हम तुहार देखी भूल गईली पीरा ए भैया माई के गर्भ में चाहे बेटवा के बूंद पड़ेला चाहे बिटिया के बूंद पड़ेला तबे से वो माई तो पेट में बच्चा के इच्छा अनुसार खा ली पिए ली का चीज खाई तो हमारे बबुआ के नुकसान ना करी। प्रसव पीड़ा सहन करके जब माँ बच्चे को पैदा करती हैं और जब अपने बच्चे के चेहरे को जब माँ देखती हैं तो उस दर्द को क्षण भर में भूल जाती हैं, जिस उसी को माँ कहा जाता है। क्या पेटवा में पालन कैली मानी मोती हीरा मुहवा तुहार देखी भूल गईली पीरा सतिया ने छोड़ दिहली पहला भोजन सतिया ने छोड़ दिहली पहला भोजन दूसर देवी देवता ना जान में हो छतिया निचोड़ दिहली छतिया निचोड़ दिहली पहला भोजनवा दूसर देवी देवता ना जहनवा में। देखे इस भाव पे आप रमेश जी की जीवन संगिनी आपकी ओर से यह बहुत रुपयों का सम्मान 151 रुपये का सम्मान रहा। बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद के कामना बा। जीते जी सास का आप दोनों देवरानी जेठानी खूब सेवा कैलिन। आप माननीय आशा यादव जी की ओर से रहा बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद के कामना बाप। लोग कहेला कि बेटी के खैले आप पतोही के नहैले सास खूब पावेली, लेकिन हम कहेला जियते सास के खूब सेवा कर देवे के चाहिए नहा चाहे मत नहा। लेकिन निर्मला यादव और आशा यादव सास के खूब जियते आप लोग सेवा कैलू अब घाट नहैलू चाहे ना नहैलू ओकर कोनो मतलब ना बा। बहुत बहुत साधुवाद कहना है। और माई का करेलिन भिजला पे सूती तो है सुखला सुतावेली ए भैया माई का कितना परियार करे जा होला। ठंडी के दिन में माई जब बेटवा होके चाहे बिटिया होके ओके लेके जब बिस्तरा पे सुतेलिन अंखिया झुक दे लागी आ जेव निदिया टूटी तो माई का हथवा ओ लैकवा के चुतरे पे जाई कि बाबू हमार पेशाब ना न कैले हवन। अगर बाबू पेशाब कैले हवन तो सुखलका जगह बाबू के चाहे बबनी के सुतावेलिन अपने भिजला पे सुतेलिन। और माई का करेलिन अखाए के खाए के सहूर बोले चल के सिखावेली और पहला गुरु का काम माँ करती है। आप आदरणीय जयनाथ यादव जी छपरा की धरती से 100 रुपयों का सम्मान बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद के कामना बा। माई अंगुरी पकड़ा के चलावे के सिखावेलिन बोले के सिखावेलिन पहला शिक्षा माँ से ही मिलता है। इसीलिए मैं कहती हूँ भिजला पे सूती तो है सुखला सुतावली खाए के सहूर बोले चल के सिखावली प्राण से भी बेसी तोहरो कैली जतन माँ प्राण से भी बेसी तोहरो कैली जतन माँ तो दूसर देवी देवता ना जान माँ में हो से
भी ज्यादा प्यार दुलार माई कैलिन, लेकिन आज काल का कुछ लड़का ऐसा बड़ा भैया उ सगरी प्यार दुलार के भुला के उ दूसरा प्यार में अजुरात बन। माई बूढ़ी हो गई, बुढ़ापा की ओर चल देहलिन, राती कदेही में दर्द होता आ जब बाबू बुलेट चालू करत हुए या कोनो गाड़ी स्टार्ट करके जब बाजार की ओर चलत हुए तो माई कहली है बाबू तनि एगो दर्द का गोली ले ले या, बड़ा देहिया में दर्द बा। बाबू जहियन मेहरारू के चौमिन पैकिंग करावे के चक्कर में माई के दर्द का गोली भुला जालन। आ जब घरे आवेलन बाबू आ माई कहली है बाबू गोलिया ले अल तो कहियाँ तुहर बैठल बैठल ढेर देह दुखाता। आ वो माई जब मर जाए तो माई के तारे खाती ये धरती पर जितना कुछ बनावल बा एको छोड़िए ना कि हम अपने माई के स्वर्गे में भेज दिली। कहना है क्या, अरे तोहके जवान, अरे होई के जवान जाना नीके गाड़ी आवे लो, और का करेलन आ पत्थरा कमाई हो पूजे, पत्थरा कमाई पूजे गली गली धावे लो, ए भैया जवन माई दर्द पीरा सही के पैदा कैलिन अपने न खा के तोह के खियौलिन चले के बोले के सिखौलिन ए संसार के देखावे के काम कैलिन। कुछ बेटा जब जवान होत हुन तो वो माई बाबू को कदर नहीं करत हुन आ कई हजार में गाड़ी बुक कर लेत हुन कहत हुन हम जात हैं वैष्णो माई का दर्शन करे, हम विंध्याचल माई का दर्शन करे जात हैं, हम सोने का आँख चढ़ावे जात हैं सोने का मुकुट चढ़ावे जात हैं। जवन पथरा कमाई कबो तोहके न बेटा कहली आ न कबो बेटा कह के बोलई हन, ओ माई के सोने का मुकुट चढ़ावत हुआ सोने का आँख चढ़ावत हुआ लाखों लाखों रुपया खर्चा करत हुआ, लेकिन जवन माई तोहके पैदा कैली ओ माई के तू गरियावत हुआ बाहरे जमाना। कहना है ऐसे नहीं होई भव सागर से तरनवा, ऐसे नहीं होई भव सागर से तरनवा तो दूसर देवी देवता ना जहनमा में हो, ऐसे नहीं होई भव सागर से तरनवा दूसर देवी देवता ना। ए भैया लोग कहेला हमार माई बैतरनी कैसे पार करी, भव सागर कैसे पार करी, बाहरे विडम्बना जीते माई का सेवा ना कैला, लेकिन जब माई मरे लागेली तो लोग कहेला रे अरे ले आके तनी बाछी छुआ द, बाछी छुआ द, जल्दी बछिया छुआ दई बैतरनिया पार कर जाइ, हम जल्दी जल्दी गुड़ही खोनाई वही में एक चुरुआ पानी डलाई आ माई के बैठे के शक्ति ना रह गई बा, पीछे से एक जानी बैठियन वो गैया के पछिया छुअन कि ये पछिया पकड़ के माई हमार बैतरनी पार हो जाई। तनी विचार कर भैया गायन के अगर पानी में भेजब तो अपने मन से गाय कबो पानी में ना जाए, गाय कबो पानी में जाए ना चाहे ले आप बरियाई से ठेलब जाता हूँ गैया छटक के भाग जाए तो कहे ला लोग ये बछिया अमर माई के बैतरनी पार कर दे, भाव सागर पार करी। ए भैया वो कोनो नदी भाव सागर ना है, ये देहिये भाव सागर है जे चलते फिरते खात पियत ये दुनिया के छोड़ दिहलस उ भाव सागर पार कर दिहलस। आज बैठ के बिस्तरा पर घिसनी काटता तो समझ लक उहे नरक झेलता उहे भाव सागर के पार ना ही करत हो। कहना है अगले बंद में कि माता पिता गुरु के जे अरे करनी बिसारी, माता पिता गुरु के जे करनी बिचारी तो होई का
आज भोले जीतल बा, आज भोले जीतल हो बाटे, आज भोले जीतल बाबी हाने हारी, हाने हारी, ये देखे आप कवि जी के फुफेरे भाई जयप्रकाश यादव मास्टर साहब, माई बाबू दोनों जानी ये दुनिया से चल गईलन, दोनों जानी का खूब आप लोग मियाँ बीबी सेवा कैलिन, खूब धूमधाम से काम करी आप लोग कैलिन, माई बाबू ना 100 रुपयों का सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। आ दूधहा भाई को मलकिन का पुरस्कार ना आई, अरे भूपेंद्र यादव जी का मलकिन का पुरस्कार ना आई, नगेंद्र दो का पुरस्कार ना आई, अरे भैया श्रद्धांजलि होती है, बहटियोला से काम ना चली, बड़ी दूधे कब कमाई धराइल बा, आवाज लाइन में। और चाचा जी का भाई आशीर्वाद बखिए बाए घर को, सबसे बड़ बड़का वृक्ष बड़का पेड़ अब पूरा परिवार के छाया देत बानी, हमनो कावे नहीं जाते आपके छाया में रहे के मिलेला, बड़ा प्यार बड़ा स्नेह आप आदरणीय बंशीधर यादव जी, बहुत बहुत साधुवाद। कहना है आज भोले जीतल बाबी हाने हारी, कहा हेरावे लो कहे हेरवावे लो तू असली रतनमा, जो अपने गुरु को सदैव याद करता है वह हमेशा आगे बढ़ता है, और जो गुरु को भूल गया, जो माँ पिता को भूल गया, भले आज जीत रहा है लेकिन वह कल जरूर हारेगा, इसीलिए कहना है कहे हे रवावे लाई असली रतनवा, कहे हे रवावे लाई असली रतनवा, तो दूसर देवी देवता ना जा हनमा में हो, क्या बात है। अब हमारे गीत का लास्ट लाइन चला था, कहना है गुरु गणेश राम लाल कह गए बिहारी, आज संतोष रोवे हो गई, संतोष रोवे गई ले बाप या मतारी, कवि जी आंखों में आंसू लेकर आज बैठकर सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अब हम ये दुनिया में हमके छोड़ के माई बाबू दोनों जानी चल गई ना, अब जाके हम अनाथ भइली हूँ। कहना है संतोष रोवे गईले बाप या मतारी, कल पे सरोज उहे यजुओ बेदनमा, कभी जी का माई तो अबले जी ले, लेकिन जब केहू के माई का बात आवेला तो हृदय द्रवित हो जाता है, हमार माई तो हमके बचपने में छोड़ के चल गई, माई का प्यार का होला, माई का बिछड़न क्या होला, हमसे ज्यादा कोई नहीं इसको एहसास कर सकता है, क्योंकि हमारी माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई, इसीलिए कहती हूँ कल पे सरोज उहे यजुओ बेदनमा, कल पे सरोज उहे यजुओ बेदनमा, तो दूसर देवी देवता ना जाहनमा में हो।